बापते बेटे अते रूपाक दे नाम दे युते साडे प्रभु यीशु मसीह दा फसल खुदा बाप दा प्रेम अते रूपाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अते तुहाडे नाल भी होवे। मसीह विच प्यारे भैणों ते भराओ ते बच्चियो अज पकमा कलीसिया संदनी छोटी त्रेसा दा ईद मनाउंदा है। एक छोटा संद जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह नूं प्यार करना चाहुंदा सी। असी जानदे हां प्रभु यीशु मसीह दा सेवागार दा 3 साल दे समय दे विच प्रभु यीशु मसीह भी हमेशा खुदा बाप दी मर्जी पूरा कीता। इसे तरह हम संदनी छोटी त्रेसा भी हमेशा खुश रहिंदा सी खुदा दा मर्जी पूरा करने वास्ते। खुदा दा मर्जी पूरा करन दा मतलब यही है वही कम करना जो प्रभु यीशु मसीह नूं पसंद आवे। छोटी त्रेसा ने कोई महान बड़ा काम नहीं किया लेकिन जो छोटे मोटे काम किया वो बहुत प्यार नाल लगन नाल प्रभु यीशु मसीह के प्यार दे वास्ते किया। अज संदनी छोटी त्रेसा सानू विखाउंदा है असी खुदा नूं छोटे छोटे कमां द्वारा जरूर प्यार कर सकता है। छोटी त्रेसा कहती है मेरी बुलाहट प्यार है। संदनी छोटी त्रेसा दी मदद से राह असी अज प्रार्थना करिए छोटी त्रेसा दे वांग प्रभु यीशु मसीह नूं प्यार करते हुए खुदा दी मर्जी पूरा करने वास्ते। आओ असी अपने गुनाहां नूं गलतियां नूं याद करिए ते प्रभु यीशु मसीह कोलों माफ़ी मंगिए। मैं इकबाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाड़े अगे हे भराओ ते भैणो कि मैं सोचन नाल बोलन नाल करन नाल अते अंगहली नाल बहुत गुनाह कीते अपने दोष नाल अपने ही दोष नाल अपने बहुत वड्डे दोष नाल। इस लई मैं तां सदा कुआरी मरियम सारिआं दुष्टिआं दा संतां अते तुहाडे अगे हे भराओ ते भैणो बेनती करदा हाँ कि मेरे लिए प्रभु अगे प्रार्थना करे। पूरी कुदरत वाला खुदा साढ़े उत्ते दया करे अते साढ़े गुनाहां नूं माफ करके सानू सदीवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। Oh,
असी प्रार्थना करिए। ये खुदा साढ़े बाप, तू अपने राज दे बूहे उन्हां लई खोलदा है जो छोटे ते हलीम हन। बख्श दे कि असी भी पूरे भरोसे नाल बालक यीशु दी संदनी तरेसा वलों दिखाए गए राह उते चलिए, तां जो साढ़े उते भी तेरी जलाली चेहरे दी चमक प्रगट हो जावे। साढ़े प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूपाक दी एकदा विच एक खुदा जीवंदा ते राज करदा है सदा तोम सदा तीक। आमीन। पाठ पहला यशाया नबी दे ग्रंथ विचों उसका 66 बाप 10 तो 14 आयत तक। तुसी जो यरूशलम नू प्यार करदे हो उस दे नाल मिलके खुशी करो, तुसी जो उस दे लई सोग करदे हो उस दे लई आनंदित होवो, तुसी उस दी खुशहाली नू उसे तरह माणोगे जिस तरह बच्चा अपनी माँ दा दुध चुंगदा है। प्रभु कहिंदा है तुहानू ना खत्म होण वाली खुशहाली देंगा। कौमां दी संपत्ति तुहाडे वल उस दरिया दे पाणी वांग वगेगी जो कदी सुकदा ना होवे। तुसी उस बच्चे दे वांग होवोगे जिस दी पालना पोसना उस दी माँ ने अपनियां बाहां विच लै के बड़े प्यार नाल कीती होवे। मैं तुहानू यरूशलम विच उसे तरह तसली देवांगा जिस तरह माँ अपने बच्चे नू तसली दिंदी है। जदों तुसी ए हुंदा देखोगे तां तुसी खुश होवोगे अते इस नाल तुहानू शक्ति अते सेहत मिलेगी। तद तुसी ए वी जानोगे कि मैं प्रभु अपने आज्ञाकारियां दी मदद करदा अते अपने वैरियां उत्ते क्रोधित हुंदा हाँ। प्रभु दी बाणी। खुदा दा शुक्र होवे। ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਉਸਦਾ 13 ਬਾਬ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹੈ,
ते प्यार दयालु है। प्यार इरखालू नहीं है, ना ही हंकारी अते ना ही आकड़बाज है। प्यार बदतमीज नहीं है, प्यार अपनी मनमर्जी ते जोर नहीं दिंदा। यह चिड़दा नहीं है अते ना ही नाराज़ रहिंदा है। प्यार बुराई तो खुश नहीं हुंदा, सगों सच्चाई तो प्रसन्न हुंदा है। प्यार सब कुछ सह लैंदा है, सब गल्लां उत्ते यकीन करदा है, सब गल्लां दी आस रखदा है अते सब कुछ जर लैंदा है। प्यार कदी मुकदा नहीं, भविखबाणियां हन तां ओ खत्म हो जाणगियां, जबाना हन तां ओ बंद हो जाणगियां, अते ज्ञान है तां जांदा रहेगा, क्योंकि साडा ज्ञान अधूरा है अते साडी भविखबाणी अधूरी है। पर जदों कामल आ जाएगा तां अधूरा खत्म हो जाएगा। मैं जदों बच्चा सां तां बच्चे वांग बोलदा सां, मैं बच्चे वांग समझदा सां, मैं बच्चे वांग विचार करदा सां, पर जदों मैं सियाणा हो गया तां मैं न्याणियां वाला तौर तरीका छड्ड दित्ता है। क्यों जो हुण असीं शीशे विच धुंधला जिहा देखदे हाँ, पर तद असीं हूब हू स्पष्ट देखांगे। हुण तां मेरा ज्ञान अधूरा है, पर मैं पूरी तरह जाण जावांगा, ठीक उस तरह जिवें खुदा मैनू जाणदा है। हाँ, हुण ईमान, उम्मीद अते प्यार ये तिन्ने सदीवी हन, पर इन्हां विच्चों सब तो महान प्यार है। ये प्रभु की बागबाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। प्रभु तुहाड़े नाल होवे, अते तुहाड़ी रूह नाल भी होवे। पाठ पौत्र अंजील दा संद मत्ती दे अनुसार तेरी वडियाई होवे ऐ प्रभु। उसदा 18 बाप 1 तो लेके 5 आयत तक। उस वेले चेले यीशु को लाए अते ए पूछन लगे, सुरगराज विच सब तो वड्डा कौन है? उसने एक बच्चे नूं अपने कोल सद के उसनूं उनां दे विचकार खड़ा किया अते कहा, मैं तुहानूं सच आखदा हाँ, जदों तक तुसी बदल के छोटे बच्चियां वांग नहीं बनोगे, तुसी सुरगराज विच कदी दाखल नहीं होवोगे। जो कोई अपने आप नूं इस बच्चे वांग निमर बनाउंदा है, वह सुरगराज विच सब तों वड्डा है। जो कोई अजोके बच्चे नूं मेरे नाम ते स्वीकार करता है, वो मैनू स्वीकार करता है। प्रभु दी पाक अंजील।
तेरी महिमा होवे मसीहा। मसीह विचे प्यारे भैणों ते भराओ ते बच्चियो, प्रवेश मसीह का सेवा गाज का 3 साल के दौरान असी वेखते हाँ प्रवेश मसीह हमेशा लोगों नूं यह समझाने वास्ते सिखाने वास्ते कोशिश कर रहा सी कि सुरग का राज की है, सुरग का राज दे विच किवें प्रवेश करना है। अते अज दे अंजिल विच असी वेखते हाँ प्रवेश मसीह के चेले भी प्रवेश मसीह के कोल आ के प्रवेश मसीह नूं पूजदे हन। सुरग राज दे विच सब तो वड्डा कौन है? प्रभु येशु मसीह ने वेख्या है रास्ते विच प्रवेश मसीह दे चेले सारे आपस विच बहिश कर रहा सी कि उन्हां दे विचों सब तो वड्डा कौन है। कदी कदी साढ़े मन दे विच भी यही सोच विचार जरूर आउंदा है कि साढ़े विचों सब तो वड्डा कौन है। असी सारे मनुखां दे सामने वड्डा बनना वास्ते कोशिश करते हम, इदा का काम असी करते हम ताकि लोग मैनू मेरा काम वेख के वड्डा समझिए। ये चंगा है, असी काफ़ी लोग बढ़िया टीचर बनने वास्ते, बढ़िया स्टूडेंट बनने वास्ते, डॉक्टर बनने वास्ते, नर्स बनने वास्ते, इंजीनियर बनने वास्ते, एक कलाकार बनने वास्ते कोशिश करते हम ताकि लोग साडा अते तुहाडा ये महानता वेख सके। असी सारे कोशिश करते हैं उस धरती विच रहण दे वक्त लोगों के सामने मनुखां दे सामने वड्डा बनने वास्ते, लेकिन अज दे त्यौहार दे विच असी वेखदे हां संदनी चोटी तरेसा वो मनुखां दे सामने नहीं खुदा दे सामने वड्डा बनने वास्ते दिल विच इच्छा रखिया। चोटी तरेसा ने कोई वड्डा महान काम नहीं किया दूसरे संदा ते संदनियां दे वांग, लेकिन उसने एक छोटी फुल दे वांग रहना चाहुंदा सी। जेकर संदनी छोटी तरेसा मनुखां दे सामने वड्डा बनने वास्ते दिल विच इच्छा रखिया तो वो कॉन्वेंट दे विच प्रवेश नहीं करना सी, वो बाहर आके काफ़ी कुछ कर सकता सी। अंजिल विच असी वेखदे हां उसने एक बच्चे नूं अपने कोल सद के उसनूं उनां दे विचकार खड़ा किया ते कहा मैं तुहानूं सच आखदा हाँ जदों तक तुसी बदल के छोटे बच्चियां वांग नहीं बनोगे तुसी सुरगराज विच कदी दाखल नहीं होवोगे। हालेलुया हालेलुया। सानू सोचना चाहिदा है एक नन्हे मुन्ने छोटे बच्चा सानू ये महानता किवे दिखा सकता है, एक बच्चा सानू की सिखाउंदा है महानता दे बारे, और असी अपना महानता किवे नाप कर सकते हैं और मापदे हाँ। अज कदी कदी असी सोचते हाँ शायद मेरा पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरी तनखा, मेरी मकान, मेरी पैसे, यह सब कुछ देख के अगर कोई क्वालिफिकेशन सब कुछ डिग्रियां हासिल किया तो यह सब कुछ लोगों के सामने मैनू महानता दे सकता है, लेकिन अज के दिन असं वेखते हाँ ये संदनी छोटी तरेसा सानू की सिखाता है महानता के बारे में। खुदा दे सामने महान वड्डा बनना चाहिए तो असी इस तरह वड्डा काम करने की कोई लोड़ नहीं है। हर एक छोटे मोटे जो काम असी करते हाँ उसमें पूरा ध्यान नाल प्यार नाल प्रभु येशु मसीह दे वास्ते करना चाहिए है। वही चीज़ संदनी छोटी तरेसा आज सानू सिखाउंदे आ अते हमेशा छोटी तरेसा खुदा नू खुश करते हुए खुदा दी मर्जी पूरा करने वास्ते हमेशा कोशिश किया। जिवें मैंने शुरुआत विच दस्या सी खुदा दी मर्जी पूरा करन दा मतलब यही है वही कम करना है जो खुदा बाप नू प्रभु येशु मसीह नू पसंद आवे। असी सारे अजकल जड़ी चीज़ा गल्लां कमां असी करदे आ जो सानू पसंद आवे, लेकिन असी काम करना चाहिए है, सोचना चाहिए है कि मैं वही काम करते हम जो प्रभु येशु मसीह नू पसंद आवे। साड़ी जिंदगी का मतलब और मकसद भी आनंद जीवन दे विच प्रवेश करना है और कुछ नहीं होना चाहिए है। ये अपनी मर्जी के मुताबिक असी जी सकता है, खुदा दे मर्जी के मुताबिक असी जी सकता है, खुदा दे मर्जी के विरुद्ध भी असी जी सकता है, लेकिन जदों तक असी प्रभु येशु मसीह का प्यार महसूस नहीं करते असी सच्चा खुशी ते प्यार जरूर अनुभव नहीं करेंगे। आज सानू भी ये फीसट के मौके पर सोचना चाहिए है कि मैं सचमुच खुश हाँ, जेकर खुश नहीं है तो कौन चीज़ मेरा खुशी लेके जा सकता है, मेरा उदासी का दिन इस दे कारण की है। असी चर्च के काफ़ी व्यक्तियों को वेखते हम संदा तो संदिनियों को वेखते हम जिन्होंने खुदा बाप के प्रवेश में उसका प्यार महसूस किया है। संदनी छोटी तरेसा ने उसकी सहन खड़ी के वेले प्रवेश में उसका प्यार महसूस किया। संत पौलुस जदों
फड़े उत्ते नीचे गिर गया। उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह का प्यार महसूस किया। जो पेत्रुस ने प्रभु यीशु मसीह ने पेत्रुस नूं आख्या कि तुसी मैनूं प्यार करदे हो, तीन बार आख्या लगातार। उसी वक्त पतरस नूं भी प्रभु यीशु मसीह का प्यार महसूस किया। संत अगस्तीन ने जदों बाग दे विच बाइबल पढ़ रहा सी तब प्रभु यीशु मसीह का प्यार महसूस किया। मदर तेरेसा ने भी जदों गरीबां दे विच प्रभु यीशु मसीह दे चेहरा वेखदे हुए उन्हां दी सेवा करदे वक्त प्रभु यीशु मसीह का प्यार महसूस किया। कि मैं अज प्रभु यीशु मसीह का प्यार महसूस करते हाँ कि नहीं? संतनी छोटी तेरेसा अज सानू दसदे आ मैं सुरग तो फुलां दी वर्खा करांगी, मैं हमेशा प्यार दी गीत गावांगी, अते मेरी बुलाहट प्यार है। असं जानते हाँ संतनी छोटी तेरेसा सिर्फ 24 साल इस धरती विच रहा। कॉन्वेंट दे चार दीवार दे बाहर छोटी तेरेसा कभी बाहर कहीं नहीं गया, फिर भी आज पाकमा कलीसी असी सारे संतनी छोटी तेरेसा नू एक वड्डा संत करके पुकारते हाँ। इसका कारण की हो सकता है? छोटी तेरेसा ने कोई भी बड़ा महान काम नहीं किया, फिर भी जड़ी सारे काम आम गलां के तो वो सारे प्रभु यीशु मसीह दे प्यार दे वास्ते किया है। एक नन्ने मुन्ने छोटे बच्चे दे वांग प्रभु यीशु मसीह उत्ते संतनी छोटी तेरेसा भरोसा रखा है। असी व्यक्ति हम जैसे छोटे बच्चा माँ बाप उत्ते भरोसा रख के हमेशा उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बिताते हैं, वैसे रहने वास्ते संतनी छोटी तेरेसा ने भी कोशिश की है। 13 साल की उम्र के एक सिस्टर बनने वास्ते दिल में इच्छा रख के 15 साल की उम्र के छोटी तेरेसा कॉन्वेंट में प्रवेश किया। ये वास्ते काफ़ी कोशिश किया है संतनी छोटी तेरेसा ने। संतनी छोटी तेरेसा के परिवार के असी व्यक्ति हम सारे माँ प्यो और बच्चे सारे संत और संतनियां बन गया है। कैथोलिक चर्च के इस तरह ऐसे कोई फैमिली नहीं है जिते माँ बाप अते बच्चे सारे संत अते संधनियां बन गए हैं। हालेलुया। उन्होंने 9 बच्चे पैदा हुए सन, उन्होंने 4 बच्चे बचपन के ही खुदा का प्यारा हो गया, बाकी 5 लड़कियां सिस्टर लोग वह कॉन्वेंट के प्रवेश करके संधा संधनियां बन गया है। छोटी तेरेसा ने अपनी बचपन के ही अपने माँ खो दिता सी, तो बाद सेलिन उसकी बड़ी दीदी ने छोटी तेरेसा हमेशा मदद किया। जो सेलिन गुरीन ने भी ये कॉन्वेंट दे प्रवेश किया उसने एक चीज़ छोटी तेरेसा नूं याद किया सी, तुसी हमेशा हर दिन प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना भूलना नहीं है। अते छोटी तेरेसा हमेशा प्रार्थना करते रहा। प्रार्थना के बारे में छोटी तेरेसा कहती है, जेकर तुहानूं वेखना चाहुंदा है कि किवें संतां अते संतनियां प्रार्थना करते हां, तुसी मेरे घर पर आ जाओ। शाम के समय मेरे मम्मी पापा साढ़े शाम के वेले गुड़ने टेकते हुए दोनों हाथ फैलाते हुए प्रार्थना करती मैं हमेशा रोज़ वेखदी है। छोटी तेरेसा कहते हैं मैनू प्रार्थना करन दी नमूना ये सब कुछ मेरे मम्मी पापा तो मिल गया है। आज जो ये संतनी छोटी तेरेसा की ईद मनाने के मौके पर सानू भी सोचना चाहिए है अपने असी सारियां दी परिवार के माँ बाप बच्चों को चंगा नमूना पेश करते हाँ कि नहीं? संतनी छोटी तेरेसा की आखिरी वचन यही है, प्रभु यीशु मसीह में तुहानू प्यार करते हैं, ये बोल के छोटी तेरेसा खुदा का प्यारा हो गया। आज असी भी प्रभु यीशु मसीह का प्यार महसूस करने के लिए कोशिश करिए। छोटी तेरेसा दे वांग प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हुए खुदा की मर्जी पूरा करने के लिए अज के दिन असी प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद बरकत हमेशा थोड़े नाल होवे। रसूलां दा कलमा। मैं खुदा ते ईमान रखदा हाँ जिहड़ा बाप पूरी कुदरत वाला आसमान ते जमीन दा पैदा करन वाला है। मैं यीशु मसीह ते ईमान रखदा हाँ जिहड़ा इकलौता बेटा ते साडा खुदा हुंदा है। ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਸ ਨੇ ਪੈਂਤਸ ਪਿਲਾਤੋਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜਾਇਆ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਬਰਜ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਬਾਪਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਸਜਾ ਬੈਠਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੇ ਮਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਪਾਪ ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਤਲ ਕਲੇਸ਼ਿਆ ਆਲੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨਾ ਤੇ ਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਆਮੇਨ। Amen.
पेणो प्रार्थना करो कि मेरी अते तुहाड़ी ये कुर्बानी पूरी कुदरत वाले खुदा बाप नू कबूल होवे। प्रभु इस कुर्बानी नू तुहाड़े हाथां विचों अपने नाम दी इज्जत ते वडियाई लई अते साडे ते सारी पाक कलीसिया दे भले लई कबूल करे। हे प्रभु तेरी महानदा तेरे संदां दे राही प्रगट हुंदी है। अपने मेहर भरे प्यार दे अगे बालक यीशु दी संदनी तरेसा दे निमर चढ़ावे नू तू वड्डी खुशी नाल कबूल कीता। तेरे अगे चढ़ाए साडे नजरानियां नू परवान कर अते वफादारी दे नाल सदा तेरी सेवा करदे रहन लई सानू लायक बना साडे प्रभु मसीह दे राहीम। आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडे नाल भी होवे। तुसी अपने दिल प्रभु वल लगाओ असी अपने दिल प्रभु वल लगांदे हां। असी अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए सही अते योग है। ए प्रभु पवित्र बा पूरी कुदरत वाले अते अगाल खुदा ए सचमुच सही अते योग है मुक्ति पाउण दा राह है कि असी हर वेले अते हर था यीशु मसीह अपने प्रभु दे राही तेरा धन्नवाद करिए। संदां दे राही तेरा ही जलाल जाहिर हुंदा है क्यों जो उन्हां दी शान तेरियां दादां दा ही ताज है। धरती उत्ते उन्हां दे जीवन राही तू सानू नेक नमूना दिंदा है। उन्हां नाल साढ़े मेल द्वारा तू सानू उन्हां दी दोस्ती दा वरदान दिंदा है। कलीसिया लई उन्हां दी प्रार्थना राही तू सानू ताकत ते सुरक्षा दिंदा है। गवाहां दी ये महान संगत सानू शैतान उत्ते फती पाउण लई प्रेर करदी है ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਦਾਂ ਸੰਦਨੀਆਂ ਸਣੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅਡੂਡ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ।
प्रभु तू सचमुच पवित्र है, अतः ये सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी बड़ियाई करे। तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राहे अते रूपाक दी कुदरत नाल तू सारे संसार नू जीवन बख्शदा ते पाक करदा है। तू लगातार अपने लिए प्रजा इकट्ठी करदा रहिंदा है तां जो चढ़दे सूरज तों लेके लैंदे तक एक शुद्ध कुरबानी तेरे पवित्र नाम दे लई चढ़ाई जावे। इस लई ए प्रभु असी हलीमी नाल तेरे अगे मेहनत करते हाँ कि अपने मेहर नाल ओही रूपाक दे राही इन्हां नजरानियां नूं पवित्र कर जो असी तेरी पाक हजूरी विच लेके आए हाँ, तां जो ये तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे जिस दे हुक्म नाल असी इनाम फैदा नूं मनाउंदे हाँ। जिस रात उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी लई अते तेरा धन्यवाद कर दिया, बरकत दिती, रोटी तोड़ी अते अपने चेलियां नूं दिती, ये कहिंदे होए तुसी सारे ये लो अते इस विचों खाओ क्यों जो ये मेरा बदन है जड़ा तुहाडे लई कुर्बान कीता जावेगा। इसे तरह भोजन करन दे बाद उसने प्याला लिया, तेरा धन्यवाद कर दिया, बरकत दिती, प्याला अपने चेलियां नूं दिता, ये कहिंदे होए तुसी सारे ये लो अते इस विचों पीवो क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है नवे अते सदीवी नेम दा लहू जो तुहाड़े ते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफ़ी लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच ये क्रिया करो।
असी अपने ईमान दा ऐलान प्रगट करिए। ऐ प्रभु असी तेरी मौत दा ऐलान करदे हां अते तेरे जीवन दी मुनादी करदे हां जब तक तू फिर आवेगा। इस लई ऐ प्रभु असी तेरे बेटे दे मुक्तिगारी दुख भोग उसे जलाली जीवन ते स्वर्ग विच चढ़ जाण दी यादगारी मनाउंदे हां अते उसे दूजी वारी आउण नूं उड़ीकदे होए तेरा धन्नवाद करदी आ इह जीवन दी अते पवित्र कुरबानी तैनूं चढ़ाउंदे हां। असी बेनती करते हाँ कि तू अपनी कलीसिया दे चढ़ावे उत्ते नज़र कर अते इस कुरबान होए लेले नूं पहचान जिसकी कुरबानी तो राजी होके तू साड़ा अपने नाल मेल कराया है। बख्श दे कि असी तेरे बेटे दे बदन अते लहू नाल रजाए होए अते उसे रूपाक नाल भरपूर होके मसीह दे विच एक शरीर अते एक रूह बन जाइए। ओ सानू तेरे लिए एक सदीवी नजराना बनावे तां जो असी तेरे चुनिया होया नाल खास करके तन्न कुवारी मरियम खुदा दी मां दे नाल उसे कुआरी दे मुबारक बरसंद यूसुफ दे नाल संदनी तरेसे दे नाल अते तेरे सारे संदा नाल उन्हां दे विरसे दे वारस बन जाइए। इन्हां वल्लों तेरी हजूरी विच लगातार कीती जाण वाली सिफारिश दी यकीनी मदद उत्ते असी भरोसा रखदे हाँ। ये प्रभु असी बेनती करदे हाँ कि साढ़े मुंड मिलाप दी ये कुरबानी सब दुनिया दी शांति अते मुक्ति लई असरदायक होवे। तू कृपा करके इस धरती उत्ते फैली अपनी यात्री कलीसिया नूं अपने सेवक साढ़े संत बापा फ्रांसिस नूं साढ़े बिशप आगनलो नूं कुल दुनिया के बिशपां पुरोहितां अते सब लोगों नूं जिन्हां नूं तू अपना बना लिया है ईमान अते प्यार विच मजबूत बनाउण दी मेहरबानी कर। कृपा करके इस परिवार दीआं प्रार्थनावां नूं कबूल कर जिस नूं तू अपने सामने सदन की मेहर कीती है। ए दयालु बाप संसार भर विच किलरे होए अपने सारे बच्चियां नूं अपने कोल इकट्ठे करन दी कृपा कर। साढ़े मोए होए भैन भरावां ते उन्हां सारियां नूं जिहड़े तैनूं कुछ करदे आ इस संसार विचों चलाना कर गए हन मेहर नाल अपने राज विच दाखल कर। उत्थे असी तेरी वड्डी शान दी खुशी विच सदा निहाल रहण दी उम्मीद रखदे हाँ साढ़े प्रभु मसीह दे राही जिस दे राही तू दुनिया नूं हर चंगी दा बख्शदा है। उस दे राही अते उस दे नाल अते उस दे विच ए खुदा पूरी कुदरत वाले बाप रूपाक दी एकदा विच सब जलाल ते वड़ियाई तेरी ही है सदा तोम सदा तीकर आमीन। साढ़े मुक्तिदाते दे हुक्म दे मुताबिक अते उसी खुदाई सिख्या दे अनुसार असी ए आखण दी दलेरी करदे हाँ। पिता आगना
हे प्रभु असी प्रार्थना करते हाँ सब बुराइयों तो सानू बचा अपने रहीम नाल साढ़े दिनाम शांति दे तां जो तेरी दया की मदद नाल असी हमेशा गुनाह तो मुक्त रहीए अते हर मुसीबतों सुरकेत रहीए जिवें मुबारक उम्मीद रखते होए असी यीशु मसीह साढ़े मुक्तिदाते दे आउण दी उड़ीक करते हाँ हे प्रभु यीशु मसीहा तू अपने रसूलों नू आखिया मैं तुहानू शांति दिंदा हाँ अपनी शांति मैं तुहानू प्रदान करदा हाँ तू साढ़े गुनाहां नू नगी सगो अपनी कलीसिया दे ईमान नू वेख अते उसनू अपनी मर्जी मुताबिक शांति अते एकदा प्रदान कर तू जो जीवंदा ते राज करदा है सदा तुम सदा ती कर आमीन प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे अते तुहाडे रूह नाल वी होवे असी आपो मी शांति दा सलाम देईए देखो खुदा दा लीला इनू वेखो जड़ा संसार दे गुनाह चुक लेंदा है तन हन ओ जड़े लेले दे पोज लई सदे गए हन ए प्रभु मैं इस योग नहीं हां कि तू मेरी इच्छा छले आवे पर एक शब्द आग अति मेरी लो चंगी हो जावे भी
प्रभु कहिंदा है जब तक तुसी बच्चियां वांग नहीं बदलदे तुसी स्वर्गराज विच दाखल नहीं होवोगे। असी प्रार्थना करिए ए प्रभु पाक यूकरिस्ट इस सैक्रमेंट विच शरीक होना साढ़े विच उस प्यार दी अग नू जगावे जिसने बालक यीशु दी कुवारी संदनी तेरेसा नू सारियां दी नजात लई अपने आप नू समर्पण करन दी प्रेरणा दित्ती। साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राहीम आमीन। प्रभु तुहाड़े नाल होवे पूरी कुदरत वाले खुदा बाप बेटा ते रूपाक तुहानू बरकत देवे आमीन। प्रभु नू प्यार करन लई अते उसकी सेवा करन लई शांति विच जाओ खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर सलामे मरियम सिफ़तां